हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आज हम पाप मोचनी एकादशी की परम कल्याणकारी पावन कथा का वर्णन करेंगे। ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। भक्त जनों, जैसा कि इनका नाम पाप मोचनी है, उसी तरह इस एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, आइए चलते हैं पाप मोचनी एकादशी की ये परम कल्याणकारी व्रत कथा के विषय में जानते हैं। सदा हितैषी पांडवों के हैं श्री कृष्ण भगवान, समय समय पर देते रहते उचित उन्हें वो ज्ञान। कभी युधिष्ठिर और कभी अर्जुन उनके पास आते हैं, और ज्ञानवर्धक वो कथाएं उन्हें सुनाते हैं। पावन चैत्र मास का समय था, भक्तों तुम्हें बताएं, आज तो अर्जुन श्री कृष्णा के पास में है आए। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को उन्होंने शीश झुकाया, आदर पूर्वक श्री कृष्णा ने उनको है बैठाया, और वार्तालाप वो करने फिर लग जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री कृष्ण सदैव ही पांडवों का मार्गदर्शन करते थे और उचित अनुचित का बोध कराते थे। समय समय पर उन्हें ज्ञान वर्धक कथाएं भी सुनाते थे। आज श्री कृष्ण के पास अर्जुन आए और आपस में वार्तालाप करने लगे। कुशलता जानने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछने लगे, चैत्र मास बड़ा पावन है केशव, अब लग गया है और समय जो चल रहा है वो कृष्ण पक्ष का है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, मुझे बताओ एकादशी किस नाम से जानी जाए, और व्रत की कथा भी इसकी क्या है मुझे बताए। व्रत करने से क्या फल मिलता आप मुझे समझाएं, आमल की एकादश कथा भी आप नहीं तो सुनाई। चैत्र मास एकादश पहले अब तो निकट है आई, सुननी है मुझे कथा जैसे पहले सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्त जनों, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे, हे केशव, चैत्र मास शुरू हो चुका है। जिस प्रकार हम पांडवों को आप सभी एकादशियों की कथा सुनाते हैं, मुझे आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुननी है और इस व्रत का महात्म्य भी जानना है।
कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। जैसे आपने आम लकी एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, उसी प्रकार हे केशव, कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व और कथा सुनाएं। सुन अर्जुन की बातें, ये श्री कृष्णा ने कहा है। उत्तम प्रश्न बड़ा ही है अर्जुन तुमने किया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, पाप मोचनी एकादशी उसे अर्जुन बोला जाए। श्री विष्णु भगवान कंस में ध्यान लगाते हैं, व्रत करने से पाप नष्ट भक्तों के होते हैं। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी है, सुन लो अर्जुन व्रत कथा ये पावन बड़ी है। कृष्ण सुनाते और अर्जुन सुनने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, अर्जुन की जिज्ञासा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनने की थी, जिसे श्री कृष्ण ने कथा सुनाकर शांत किया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो श्री कृष्णा कहने लगे, हे अर्जुन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इसकी एक व्रत कथा भी है। सर्वप्रथम ये व्रत कथा ऋषि लोमस ने पृथ्वीपति राजा मानधाता को सुनाई थी। इस व्रत कथा को आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पाप मोचनी एकादशी की जो है व्रत कथा, ऋषि लोमस से सुनने आए राजा मानधाता। ऋषि लोमस से प्रश्न ये राजा मानधाता ने किया, सरल उपाय है ऋषिवर ऐसा है बोलो क्या। जिससे शीघ्र ही पाप नष्ट मानो के हो जाए, ऐसा उपाय ऋषि श्रेष्ठ कोई मुझको आप बताएं। सुनकर प्रश्न ये अर्जुन फिर ऋषि लोमस ने कहा, एक व्रत है राजन पाप मोचनी एकादशी का। एक ही व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब राजा मानधाता ने ऋषि लोमस से सभी पापों को नष्ट करने का उपाय पूछा तो उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत को ही सब पापों को नष्ट करने वाला बताया और उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई। हे अर्जुन, ऋषि लोमस के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत नहीं करते उनके लिए भी कथा सुनना परम कल्याणकारी है। हे अर्जुन, जो कथा ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को सुनाई, वही अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पाप
पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनो अर्जुन। प्राचीन काल में एक था चैत्ररथ नामक कोई वन, जिसमें करे विहार किन्नरों के संग अप्सराए। और कभी आती है वहाँ पर गंधर्व कन्याएं, और कभी देवेंद्र देवों के संग में आते हैं। आकर के उस वन में क्रीड़ा करने लग जाते हैं। सदा वसंत का मौसम क्योंकि उस वन में रहता है, इसीलिए तो वन वो सबको सुहाना लगता है। देव यक्ष किन्नर गंधर्व जहाँ सब आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चलो श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, चैत्र रथ नामक उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे, जो महर्षि चवन के पुत्र थे। महर्षि मेधावी शिव भक्त थे और कामदेव को जीतने का प्रयास कर रहे थे। तभी कामदेव ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को वहां भेजा और ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने को कहा। कामदेव की आज्ञा पाकर अप्सरा मंजू घोषा ऋषि मेधावी की आई करने को भंग तपस्या। ऋषि मेधावी उस समय बड़ी युवावस्था में थे, साक्षात वो कामदेव के जैसे लग रहे थे। निकट ही आकर मंजू घोषा करने लगी वीणा वादन, और मधुर वाणी में उसने शुरू कर दिया गायन। सुनी मधुर वाणी तो तपस्या उनकी भंग हुई, मंजू घोषा जैसा चाहती बिल्कुल हुआ वही। ऋषि मेधावी अप्सरा पे मोहित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, महर्षि मेधावी जब कामदेव को जीतने की कोशिश कर रहे थे, तो कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को शस्त्र बनाकर ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग कर दिया और ऋषि मेधावी उस अप्सरा पर मोहित हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। ऋषि मेधावी को अप्सरा के साथ रमण करते करते अनेक वर्षों का समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे ऋषिवर, आपके साथ रमण करते हुए मुझे काफी समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। तपस्या ऋषि मेधावी की तो भंग हो जाती है, मज्जू घोषा अब स्वर्ग जाने को चाहती है। सुनकर ऋषि मेधावी ने ये अप्सरा से कहा है, सुनो सुंदरी, जाने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़े समय के बाद चली जाना, अभी तो आई हो। रहस्य भय लगता ऐसी मन में मेरे भाई हो। सुनकर ऋषि की फिर मंजू घोषा तो रुक गई है, करते हुए रमण बीते उनको तो बरस गई है। कामातुर ऋषि मेधावी ये जान न पाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार ऋषि मेधावी को अप्सरा के साथ रमण करते हुए अनेकों वर्षों का समय बीत गया। फिर एक दिन दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। ऋषि मेधावी तो उस अप्सरा पर ऐसे मोहित थे कि फिर कहने लगे, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी हमें रमण करते हुए समय ही कितना हुआ है। तब मज्जू घोषा कहने लगी, हे ऋषिवर, क्या आपको सच में ज्ञात नहीं कि हमें रमण करते हुए कितना समय बीत गया। तब ऋषि मेधावी सोचने लगे और उन्हें ज्ञात हुआ कि 57 वर्षों का समय उन्होंने तपस्या छोड़कर अप्सरा के साथ रमण करने में व्यतीत कर दिया। मज्जू घोषा ने जब ऋषि मेधावी से कहा है, रमण करते हुए हमको कितना समय बीत गया है। ऋषि मेधावी सुन के बात ये मज्जू घोषा की, ऋषि मेधावी ने लेकिन जब समय की गणना की, 57 वर्षों का समय दोनों ने बिताया है, छोड़ तपस्या भोग विलास में व्यर्थ गवाया है। आत्मगलानी ऋषि मेधावी को तो होने लगी है, लगे सोचने इसका कारण ये अप्सरा ही है। मज्जू घोषा पर वो तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यों ही ऋषि मेधावी को आभास हुआ कि 57 वर्षों का समय उन्होंने मंजू घोषा के साथ रमण करने में व्यतीत कर दिया, तो सोचने लगे इसका कारण ये अप्सरा ही है। उनको मंजू घोषा पर बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगे, तुम्हारे कारण मेरी तपस्या भंग हो गई और सभी सिद्धियां व्यर्थ हो गई, अतः हे दुराचारिणी, मेरा श्राप है कि तुम इसी समय पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि मेधावी के श्राप से वो अप्सरा तत्काल पिशाचिनी बन गई। अप्सरा से वो बनी पिशाचिनी ऋषि श्राप के कारण, सोचा मज्जू घोषा इसका अब कैसे हो निवारण। ऋषि मेधावी से ही वो तो करने लगी विनती, कामदेव की बातों में आकर मुझसे हुई गलती, लेकिन अगर पिशाचिनी की योनि में बीते जीवन, हे ऋषिवर, वो होगा आपकी बदनामी का कारण। लोग कहेंगे बनी पिशाचिनी ऋषि के संग में रह गए, भय लगता है इसी बात का मुझको तो है ऋषिवर, खुद को कलंकित करना, बोलो आप क्या चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि मज्जू घोषा ने जब ऋषि मेधावी से विनती की कि यदि मेरा पिशाचिनी योनि में जीवन बीतेगा तो
लोग कहेंगे ऋषि मेधावी के सानिध्य में रहने से इसे पिशाचनी बनना पड़ा, तो हे ऋषिवर इसमें आपका भी अपयश होगा, अतः हे ऋषिवर आप मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। ऋषि मेधावी ने सोचा कि ये सच कह रही है, इसकी अकेले नहीं भूल तो मुझे भी हुई है, कामातुर हो करके मोहित मैं भी हो गया था, मंजू घोषक के साथ रमण मैंने खुद ही तो किया था, जिसके कारण व्यर्थ हो गई मेरी सारी तपस्या और गवा दी मैंने अपनी सारी सिद्धियाँ, भूल हुई दोनों से दोनों को पछताना होगा और श्राप से मुक्ति का भी उपाय बताना होगा। फिर मज्जू घोषा को वो एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ऋषि मेधावी सोचने लगे कि भूल सिर्फ इस अप्सरा से नहीं हुई, मैं भी बराबर का भागीदार हूँ, यदि ये अप्सरा पिशाचनी बनी रही तो इसमें स्वयं मेरा भी अपमान है, अतः सोच समझकर वो मंजू घोषा को उपाय बताते हैं कि यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लो तो पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि मेधावी के कहने से मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, तो वो तत्काल ही पिशाच योनि से छूटकर अप्सरा बन गई और स्वर्ग लोक को चली गई। मंजू घोषण पिशाच योनि से पाली मुक्ति है, पर ऋषि मेधावी की भी तो व्यर्थ हुई भक्ति है, लगे सोचने पाप कहूँ मैं भी तो भागीदार, दंड भुगतने का मुझको भी उतना ही अधिकार, मैं भी पाप मोचनी एकादशी व्रत करूँगा, वरना दंड नरक में जाकर इसका वहां भरूंगा। हे अर्जुन फिर ऋषि मेधावी ने भी व्रत किया, जिसके कारण अपने पाप से वो भी मुक्त हुआ, व्रत के दिन इस कथा को अर्जुन सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति। भक्त जनों श्री कृष्णा ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूरी कथा सुनाई, तो अर्जुन ने भी कहा कि हे केशव पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनकर मैं भी धन्य हुआ, हम सभी भाई पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा अवश्य ही करेंगे। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा यही है, जो कि श्री कृष्णा ने एक दिन अर्जुन से कही है, महात्म अर्जुन भी इसका तो खूब समझ जाता है और व्रत करने का भी तो प्रण निभाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत है भक्तों ऐसा, मानव के सारे पापों को जो कि नष्ट कर देता,
डीएस पाल ने भक्तों किया है कथा का वर्णन। सब भक्तों के संग सुनते हैं हंस राज रलहन। फौजी सुरेश को जो लिखने के लिए बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसका व्रत करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शुक्ल पक्ष रखी।
शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप अंकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल